दोस्तों, यदि आप एक फ्री फेयर प्लेयर है और अभी आप अपने फ्री फेयर आईडी पे बिल्कुल फ्री में डायमंड लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको फ्रूट समुराई वाले गेम के बारे में समझाऊंगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे इस वाले गेम को देख सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों फल कटना होता है, तो हो सकता है कि इससे पहले आपने इस वाले गेम को अपने फोन में खेला होगा। तो भाई लोग, इस वाले गेम को खेलने पर आपको पैसे मिलेगा, जिस पैसे के माध्यम से आप अपने आईडी पे डायमंड ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वाले गेम को खेलने के लिए आपको अपने खुद का मनी इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि इस वाले गेम को आप फ्री में भी खेल सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास एक ऐप होना चाहिए, जिसका नाम है दोस्तों विंजो। तो विंजो के अंदर जैसे ही आप साइन अप होंगे, तो साइन अप बोनस आपको 20 रुपया मिलेगा। तो उसी 20 रुपया के माध्यम से ही दोस्तों आप इस वाले गेम में इन्वेस्ट करके ढेर सारे रियल मनी कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने पहले से ही विंजो ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखा है, तो इस केस में दोस्तों, यदि आप फ्री में 20 रुपीज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपके फोन में जो विंजो ऐप है उसे रिमूव करना है। उसके बाद दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया लिंक पे क्लिक करके विंजो ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद दोस्तों, एक न्यू नंबर मतलब एक दूसरा नंबर से साइन अप होना है, जिससे आपको 20 रुपया साइन अप बोनस मिलेगा। और उसी 20 रुपया के माध्यम से ही दोस्तों आप इस वाले गेम में इन्वेस्ट करके काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रूट समुराई वाला जो गेम है, इसे खेलने का एक सही तरीका है, जिसे यदि आप समझ लेते हैं, तो ऐसे में आपका ज्यादा स्कोर बनेगा, जिससे आप जीत जाएंगे और जीता हुआ अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप डायमंड ले सकेंगे। तो भाई लोग, यदि आप फ्रूट समुराई वाले गेम के माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं, उसके बाद अपने आईडी पर डायमंड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसे में आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अपने आप सिंपली से डाउनलोड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो विंजो ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली से आपको उसे इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। ओपन करने पर दोस्तों, आपके सामने कुछ स्टेप्स दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई माई नंबर वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपके फोन नंबर पे एक मिस कॉल आएगा और आपका फोन नंबर वेरीफाई होके विंजो पे साइन अप हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है और यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों, आप विंजो के अंदर साइन अप हो जाएंगे और साइन अप होते ही दोस्तों, आपके वॉलेट में 20 रुपीज ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों, मेरे कैश बोनस के अंदर 20 रुपीज ऐड कर दिया गया है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने रियल विंजो आईडी को ओपन कर लिया है, तो जैसे मैं यहाँ पे विंजो स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री फायर में डायमंड लेने का ऑप्शन दिखाया गया है। तो यदि आप यहाँ से डायमंड लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों, पेमेंट करने के लिए जो पैसा आपको देना है, वो दोस्तों अपना खुद का पैसा नहीं देना है। दोस्तों, फ्रूट समुराई वाला गेम में जो पैसा आप कमाएंगे, उस पैसे के माध्यम से ही आप यहाँ पे पेमेंट करके सीधा अपने आईडी पे डायमंड ले सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे वॉलेट वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, मेरे विनिंग्स के अंदर अभी यहाँ पे 0.8 पैसे है। इसका मतलब दोस्तों, 1 भी रुपया मेरे वॉलेट में अभी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अनप्लेट के अंदर 15 रुपया है और कैश बोनस के अंदर 39 रुपीज है। चलिए, अभी मैं आप सबको फ्रूट समुराई वाला गेम को खेलकर आप सबको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा फ्रूट समुराई वाला गेम, तो इस पे मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा, तो ऐसे में मुझे यहाँ पे अमाउंट देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे 10 रुपया से गेम प्ले करके आप सबको जीत के दिखा देता हूँ। तो इस वाले गेम को खेलने का एक सही तरीका है, वो क्या है, चलिए अभी आप सबको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टीम फाइंडिंग हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और दो टीम में से यहाँ पे खेल होने वाला है। तो आपका टीम यदि जीत जाते हैं, तो ऐसे में आप जीत जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे जीत पाते हैं या नहीं। तो भाई लोग, इस गेम को खेलने का एक तरीका है, चलिए आप सबको बताते हैं। तो भाई लोग, ये वाला गेम 1 मिनट का है, तो 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे फल काटना है, जिससे आपको यहाँ पे स्कोर बनेगा। और स्कोर यदि आपके टीम में ज्यादा बनता है, तो इस केस में आपका टीम जीत जाएगा। तो इस गेम को खेलने का सही तरीका यह है कि दोस्तों, यदि आप एक बार में एक फल काटेंगे, तो 1 पॉइंट मिलेगा, 2 फल काटने पर 2 पॉइंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप एक बार में 3 फल एक साथ काट लेते हैं, तो 3 पॉइंट के साथ साथ और एक्स्ट्रा 3 पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा 3 से ज्यादा फल यदि आप एक साथ काट लेते हैं, तो जितना फल आप काटेंगे, उस हिसाब से उतना पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक साथ 6 फल काटा, तो एक्स्ट्रा 6 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला। जैसे कि इस बार मैं यहाँ पे एक साथ 3 फल करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 पॉइंट के साथ साथ और एक्स्ट्रा 3 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला।
जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे गेम खेलना है, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे एक एक करके फल नहीं काटना है दोस्तों, एक बार में तीन या फिर तीन से ज्यादा फल काटना है, जिससे दोस्तों आपका स्कोर ज्यादा बनेगा। जैसे कि यहाँ पे इस बार 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे गेम खेलना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक मिनट खत्म हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे 128 स्कोर बनाया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे जीत पाते हैं या नहीं। तो चलिए अभी यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली मेरा टीम यहाँ पे जीत चुका है और जीतने पर दोस्तों मुझे यहाँ पे 18 रुपया मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 रुपया से गेम को स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही आप यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ज्यादा स्कोर बना के जीत सकते हैं। जैसे कि फिर से मैंने यहाँ पे और एक गेम स्टार्ट किया है जो कि 10 रुपया से है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस बार यहाँ पे क्या होता है। तो भाई लोग आपको यहाँ पे दिमाग से खेलना है कि दोस्तों आपको यहाँ पे तीन या फिर तीन से ज्यादा फॉल एक साथ काटना है, जिससे आपका स्कोर ज्यादा बनेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस बार यहाँ पे कितना स्कोर बना पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक साथ में काफी सारे फल काट रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बोनस भी मिल रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई लोग कितना स्कोर यहाँ पे बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे फल काटने के साथ साथ बम भी दिया जाएगा, लेकिन बम को यहाँ पे आपको नहीं फोड़ना है, नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 3 से 4 सेकंड वेस्ट जाएगा। जैसे कि इस बार मैंने यहाँ पे 124 स्कोर बनाया है और ये देखिए दोस्तों इस बार भी मैं यहाँ पे जीत गया हूँ। तो भाई लोग जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार मैंने यहाँ पे 80 रुपया से गेम को स्टार्ट किया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस बार यहाँ पे जीत पाते हैं या नहीं। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप इस वाले गेम को खेलते वक्त एक बार यदि आप हार जाते हैं, तो दूसरे बार आपको गेम को क्विट करना है। उसके बाद दोस्तों यदि आप 10 रुपया से गेम को खेले थे, तो उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट से खेलना है। तो भाई लोग इस वाले फल काटने का गेम को काफी दिनों से मैं खेल रहा हूँ और काफी सारे पैसे भी मैं इस गेम के माध्यम से कमा लिया हूँ। तो आप सब भी कमा सकते हैं, बस आपको यहाँ पे अच्छे से खेलना है कि दोस्त आपको यहाँ पे एक साथ तीन या फिर तीन से ज्यादा फल काटना है, जिससे आपका स्कोर ज्यादा बनेगा, जिससे आप जीत जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है और ये देखिए दोस्तों इस बार मैं यहाँ पे जीत गया हूँ। तो 80 रुपया से मैंने यहाँ पे गेम को स्टार्ट किया था, तो 80 रुपया के बदले में मुझे यहाँ पे काफी सारे पैसे मिल चुका है, आप देख सकते हैं। तो भाई लोग यदि आप विदाउट इन्वेस्ट किए इस वाले गेम के माध्यम से ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस केस में यदि आपके पास पहले से ही विंजो ऐप है, तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल करके एक न्यू नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों 20 रुपया मिलेगा और उसी 20 रुपया के माध्यम से ही दोस्तों इस वाले गेम को खेल कर ढेर सारे पैसे आप कमा सकेंगे। और जो भी पैसे आप कमाएंगे उस पैसे के माध्यम से किस तरीके से आप अपने आईडी पे डायमंड ले सकते हैं, चलिए अभी आप सबको सही से दिखाते हैं। तो भाई लोग गेम खेलकर जो भी पैसे आप कमाएंगे वो दोस्तों आपको यहाँ पे वॉलेट के अंदर विनिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखिए मेरे विनिंग्स की अमाउंट यहाँ पे 671 रुपया 79 पैसे हो चुका है। तो इस पैसे के माध्यम से डायमंड लेने के लिए सबसे पहले आपको जीता हुआ पैसे को विड्रॉ करना होगा। तो विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली से विड्रॉ वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप अपना जीता हुआ पैसे को अपना किसी भी यूपीआई ऐप, मतलब गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में भी ले सकते हैं। जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने पेटीएम नंबर पहले से ही ऐड करके रखा है, तो यदि आप ऐड नहीं किया है तो आप यहां पे अपना पेटीएम नंबर ऐड कर लीजिएगा और यहां पे उधर नया वाला ऑप्शन पे प्रेस करिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पे मेरा पेटीएम बैलेंस देख लीजिए कि यहां पे मेरा 0 बैलेंस है। तो चलिए अभी यहां पे उधर लगाते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि मुझे यहां पे मनी रिसीव होता है या नहीं। तो जैसे मैं यहां पे उधर करता हूं, तो ये देखिए दोस्तों यहां पे उधर हो चुका है और यहां पे दोस्तों कुछ चार्ज काटा गया है, जैसे कि यहां पे 637.45 रुपीस ट्रांसफर हुआ है। तो चलिए अभी यहां पे अपना पेटीएम वॉलेट ओपन करके आप सबको दिखाते हैं। तो जैसे मैं यहां पे अपने पेटीएम को रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए दोस्तों यहां पे विंजो की तरफ से 637.45 रुपया रिसीव हुआ है, जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं। तो इस अमाउंट के माध्यम से डायमंड लेने के लिए सिंपली से आपको यहां पे विंजो स्टोर वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहां पे डायमंड सेट करना है कि आप किस डायमंड को परचेस करना चाहते हैं। तो मैं यहां पे 397 रुपीस में जो 530+53 डायमंड दिया जा रहा है, इसे मैं लेना चाहता हूं। तो मेरा पेटीएम यहां पे पहले से ही ऐड है, तो जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे मैं यहां पे पेटीएम पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए पेटीएम के माध्यम से यहां पे पेमेंट हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों मेरे पेटीएम की तरफ से यहाँ पे एक SMS भी किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि 397 रुपीस काटा गया है मेरे पेटीएम वॉलेट से। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों कॉपी एंड रिडीम वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने प्लेयर आईडी डाल के लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने फ्री फायर आईडी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन एंड प्रीपेड कार्ड वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। चलिए मैं आप सबको लाइव
लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे रिडीम करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे साइड से ही क्रोम ऐप को ओपन कर लूंगा। तो ये देखिए वो वाला पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ग्रीन एंड प्रीपेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कार्ड पासवर्ड डाल के जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे डायमंड ऐड हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरे आईडी पे 676 डायमंड है, जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों तुरंत मेरे आईडी पे डायमंड ऐड हो चुका है। तो आप ऐसे ही बहुत ही आसानी के साथ विंजू के माध्यम से डायमंड ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि किस तरीके से आप फ्रूट समुदाय वाले गेम को खेलकर पैसे कमा सकते हैं और कमाए हुआ पैसे से किस तरीके से आप अपने आईडी पे डायमंड ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और लिंक पे क्लिक करके विंजू ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करिए। सो भाइयों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही फ्री फायर जानकारी वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।